फॉर्मर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के गुस्से के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या तभी गुस्सा होती है जब ज़रूरत हो। ऐश्वर्या बोलती भी तब है जब ज़रूरत हो। एक जर्नलिस्ट को ऐश्वर्या ने नैस्टी रिमार्क्स की वजह से जमकर लताड़ा था। जी हाँ, नैस्टी रिमार्क्स था ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर, और इस पर जर्नलिस्ट को मिला था मुँह तोड़ ऐश्वर्या से जवाब। हमारे इस रिपोर्ट में बता दिए उस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, किससे, जब ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे जा रहे थे एक जर्नलिस्ट द्वारा, और ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन ने जर्नलिस्ट की ज़ुबान पर ताला जड़ा था। उनका बॉन्ड कैसा था खान्स के साथ, ऐश्वर्या से ये था सवाल। चेतन शर्मा नाम के जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं 2004 में, जब ऐश्वर्या ने कन्वर्सेशन के लिए लिया फैसला। रिपोर्ट्स थे उनके राइट कॉर्ड विद द खानदान को लेकर सवाल, और आमिर खान, शाहरुख और सलमान जैसे उदाहरण पेश किए गए थे उनके सामने। एक्ट्रेस ने डिसबिलीव को लेकर अपना सर हिलाया कि ऐसा भी कुछ कहा जाएगा उनसे, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे खान से दूरी बनानी है। तो जर्नलिस्ट को स्लैम किया था ऐश्वर्या ने यह कहकर, यू गाइस एंजॉयज ऑल दिस ड्रामा, सो आई गेस यू कैन कीप दिस गोइंग एंड कीप योरसेल्फ एंटरटेन। जी हाँ, ऐश्वर्या का कहना था अगर आपको मज़ा आता है एक खुद को इस तरह से ड्रामे की वजह से एंटरटेन करते हुए, तो आप कीप ऑन कीजिए, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हाँ, आप सबको बता दें ऐश्वर्या ने इस मौके पर खान्स के साथ फिल्म में अपोजिट रोल को लेकर भी अपना दुख जाहिर किया था कि उन्हें रिप्लेस किया गया था। सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, डिसएग्रीमेंट थे प्रोड्यूसर्स के साथ, और इसी वजह से अपने अपोलोजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा शाहरुख खान तैयार थे। जब कल होना हो मंगल पांडे में उन्हें हटाया गया था, रिप्लेस किया गया था, और बताया था ऐश्वर्या ने कि उन्हें माफ़ी भी मांगी थी। नेक्स्ट नाइन लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।